निवेदन करूंगा विलासराव जी से कि जो संदेश है प्रधानमंत्री जी का वो कृपया अगर पढ़ के सुनाए तो बहुत मेहरबानी होगी। प्रिय श्री अन्ना हजारे जी, आपके दिनांक 26 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में आज लोकपाल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि संसद के दोनों सदनों के आपके द्वारा अपने पत्र में उठाए गए 3 बिंदुओं पर एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस रेजोल्यूशन के अनुसार संसद निम्न 3 विषयों पर सैद्धांतिक रूप में सहमत है। 1, नागरिक संहिता। 2, उपयुक्त तंत्र के जरिए निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना। और 3, राज्यों में लोक आयुक्त स्थापना। संसद ने यह भी रेजोल्यूशन किया है कि आज की कार्रवाई विभाग के संबंधित स्थायी समिति को भेज दी जाए ताकि इस अपने अनुसंधान करते समय उनका अवलोकन कर सके। आशा है कि आप संसद के रेजोल्यूशन को देखते हुए अपना अनशन अविलंब समाप्त करेंगे और पुनः पूर्ण स्वस्थ होंगे। हम सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शुभकामनाओं के सहित आपका मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री भारत सरकार। धन्यवाद। हम लोग विलासराव जी का, विलास मुक्तमन जी का, संदीप दीक्षित जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया देते हैं। आज जन लोकपाल के 3 मुद्दे रेगुलेशन के साथ जो पार्लियामेंट में सम्मत किए गए हैं, इसलिए मैं सभी पार्लियामेंट मेंबर को बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। ये जो आज जन लोकपाल बिल के आधी जीत थोड़ी है, आधी अभी पूरी जीत होना बाकी है। और आधी जीत जो हुई है, हमारे पूरे देशवासियों ने, हमारे भाई बहन बच्चे, स्कूल के कॉलेज के युवक युवती, सब युवा शक्ति, इनकी जीत है ऐसे मैं मानता हूं। आज 12 दिन से रात दिन पूरे देश की जनता जो खड़ी हुई है उनकी जीत है। हमारे जोन लोकपाल सिविल सोसाइटी के मेंबर, हमारे सभी कार्यकर्ता, इनकी जीत है ऐसे मैं मानता हूं।
अरे हमें सब जीत दिलाने के लिए ये है सब मीडिया, इन्होंने ये जीत दिलाई है सबके लिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं ज्यादा ना कहूंगा, आपने आज जो लोग हमारी भाई बहन मेधा पाटकर उनको सुन रहे कई दिनों से, क्या है जीवन में पूरी लड़ रही है बस समाज और देश के लिए, तो यहां आकर भी उन्होंने जो कुछ आपके लिए संबोधित किया उनकी भी ये जीत है। और खास तौर पर आप रात दिन इधर खड़े हैं वो आप सबके भी जीत है, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं इस वक्त ज्यादा ना कहूंगा, सवेरे दस बजे आप सबके उपस्थिति में मैं मेरा अनशन छोड़ना चाहता हूं। वो भी आपके अनुमति से, आप सबके अनुमति से छोड़ना चाहता हूं। तो हाथ ऊपर करो कि अनुमति है। सबके लिए धन्यवाद। सवेरे 10 बजे हम मिलकर, मेरी विनती है सब भाई बहनों को, मुश्किलें झेलना जैसे थोड़ा कठिन लगता है, ऐसा जश्न मनाना भी कठिन होता है, उसको संभालना, शांति का भंग नहीं करना जश्न में कहीं शांति का भंग ना हो, जश्न मनाना है। ये जो स्वयं सेवक खड़े है रात दिन लगे है, जश्न मनाना है लेकिन शांति से, शांति का भंग ना हो। आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और विलास राव आए उनका भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। तो सुबह 10 बजे यहाँ बैठे हुए लोग और मीडिया के माध्यम से जहां जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, आइए सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में जल लोकपाल की जीत के जश्न के लिए हम सबको बुलाना चाहते हैं। आइए आइए मिलकर बनाएंगे इसका जश्न। साथियों, मैं सब लोगों से विनती करूंगा, एक तो जो जो लोग अभी टीवी देख रहे हैं, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग रामलीला मैदान में आइए और 10 बजे अन्ना जी अनशन खोलेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर जनतंत्र का ये उत्सव मनाते हैं। दूसरा, सब लोग शांति के साथ हम लोग जनगण मन खाएंगे।